नमस्कार भैया, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है। आपने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि जैसे पंखा चलता है तो कुछ समय पश्चात पंखा गर्म हो जाता है, बल्ब जलता है तो वो गर्म हो जाता है, ट्यूबलाइट होती है वो गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण ही होता है। तापीय प्रभाव क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई चालक तार है, चालक तार को जब बैटरी से जोड़कर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते हैं। चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं। वो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित परमाणु, आयन, अणु आदि से टकराते हैं और जब किसी चीज की आपस में टक्कर होती है तो घर्षण होता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा से वो चालक है या सांद्रित्र है या परिपथ है वो गर्म हो जाता है। इसे ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, ये तो ऐसे प्रतिरोधक है जिनमें इनका कार्य ऊष्मा उत्पन्न करना नहीं है। पंखे का कार्य है हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना, हवा प्रदान करना, बल्ब का कार्य हमारा प्रकाश उत्पन्न करना, लेकिन फिर भी ये गर्म होते हैं। लेकिन जैसे कोई विशुद्ध प्रतिरोधक होता है, विशुद्ध प्रतिरोधक जैसे जिसका कार्य होता है कि उसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे ऊष्मा में परिवर्तन करना, वो कहलाते हैं विशुद्ध प्रतिरोधक। जैसे अपने स्त्री है प्रेस, वो एक विशुद्ध प्रतिरोधक है। ओवन है, हीटर है, गीजर है, ये सारे विशुद्ध प्रतिरोधक है। इनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो ज्यादातर जो ऊष्मा ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, उसको ऊष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की अगर परिभाषा है तो हम क्या लिखेंगे कि जब किसी विशुद्ध प्रतिरोधक को बैटरी से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संपूर्ण ऊर्जा या उसकी जो विद्युत धारा है वो ऊष्मा में रूपांतरित हो जाए, बदल जाए, तो उसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव है उसका उपयोग अपन दैनिक जीवन में इस्त्री में किया जाता है, प्रेस जिसको हम बोलते हैं, ओवन है, गीजर है, हीटर है, ये सारे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित यंत्र है, इनका इनमें उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा का मान निकालना, परिकलन करने के लिए क्या सूत्र होगा। तो अब हम पढ़ेंगे विशुद्ध प्रतिरोधक में तापीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा के मान का परिकलन करना कि ऊष्मा का मान किस सूत्र से निकाला जाता है, वो सूत्र का परिकलन करना। तो मान लीजिए कि कोई ये कोई चालक है या परिपथ है जिसे बैटरी से जोड़ा गया है, माना एक विशुद्ध प्रतिरोधक, जैसे ये विशुद्ध प्रतिरोधक है, इसे बैटरी से जोड़ा गया है, इस तार का प्रतिरोध मान लीजिए पार्श्व तार का प्रतिरोध R है, इस चालक में से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I है और इस चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो V है और इसमें से T समय में, एक निश्चित समय आपने मान लिया कि टी समय, उस टी समय के दौरान इससे क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं। तो माना एक विशुद्ध प्रतिरोधक तार है जिसे एक बैटरी से जोड़ा गया है, इस तार का प्रतिरोध आर है, प्रवाहित धारा आई है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर आर है, विभवांतर भी है, तार में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होती है। तो क्यू आवेश प्रवाहित करने के दौरान जो किया गया कार्य है वो क्या होगा? तो किया गया कार्य हमने जो विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी उस विभवांतर की परिभाषा के अनुसार जो कार्य होगा उसका मान क्या होगा? तो विभवांतर की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था कि वी बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्यू। तो इससे हम कार्य का मान निकालेंगे, क्यू इधर भाग में इधर गुणा में ले जाएंगे तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा वी गुणा क्यू। तो कार्य, तो विभवांतर की परिभाषा से कार्य का मान आ जाएगा W बराबर Q गुणा V या V गुणा Q। अब यहां पे हमें Q का मान रखना है, तो Q का मान रखने के लिए हम विद्युत धारा की जो परिभाषा पढ़ी थी उससे जो सूत्र पढ़ा था I बराबर होता है Q बटा T, इससे हम Q का मान निकाल लेंगे। तो Q का मान निकालेंगे, T भाग में इधर दूसरी तरफ गुणा में जाएगा तो Q बराबर आ जाएगा I गुणा
टी। अब क्यू का जो ये मान है अब इस सूत्र में रखेंगे तो क्यू की जगह आई गुना टी रखते ही तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आई टी वी, अर्थात टी समय में निवेशित ऊर्जा या उष्मा है उष्मा में बदल जाती है तो उसका मान क्या होगा। तो इसे हम वहां पे जो कार्य है जो कार्य किया गया है वो उष्मा में बदल रहा है इसलिए हम डब्ल्यू कार्य की जगह हम एच उष्मा का उपयोग करते हैं क्योंकि जो कार्य है वो उष्मा में परिवर्तित हो रहा है तो उत्पन्न उष्मा बराबर हो जाएगा एच बराबर बी आई टी या आई टी वी। अब यहाँ पे हमने ओम का नियम पढ़ा है, ओम के नियम से बी बराबर होता है आई आर, तो बी बराबर आई आर मान इस सूत्र में रखेंगे तो बी की जगह जब आई आर रखेंगे तो बी की जगह आ गया आई आर तो आई आर गुणा आई गुणा टी तो सूत्र हो जाएगा एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो उष्मा निकालने का जब सूत्र की बात करें तो उष्मा इस सूत्र से निकाली जाती है कि कोई भी चालक में विशुद्ध प्रतिरोधक में उष्मा जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो उष्मा उत्पन्न होती है उस उष्मा का मान क्या होगा तो उस उष्मा का मान इस सूत्र से निकाला जाता है। इससे संबंधित आंकिक प्रश्न भी आते हैं और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसमें इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं। और अब हम इस सूत्र से हम पढ़ते हैं जूल का ताप नियम जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा में आता है 2 नंबर का जूल का ताप नियम क्या है। तो जूल का ताप नियम जो अभी हमने उष्मा परिकलन का सूत्र पढ़ा था उस सूत्र से ही हम उष्मा का जूल का ताप नियम पढ़ते हैं। तो सूत्र है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इस सूत्र से हमें क्या पता चलता है कि जो उष्मा है ये एच क्या है यहाँ पे उष्मा उष्मा समानुपाती होगी किसके विद्युत धारा के वर्ग की आई का स्क्वायर है तो आई क्या होता है विद्युत धारा तो एच बराबर आई स्क्वायर यह एच उष्मा है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी प्रतिरोध के समानुपाती होगी उस समय के समानुपाती होगी जितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसे हम भाषा में लिखना है तो क्या लिखना है कि जूल का ताप नियम क्या है परीक्षा में आता है यहां से शुरू करना है कि सूत्र है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी से स्पष्ट है कि तार में उत्पन्न उष्मा या चालक तार में उत्पन्न उष्मा का मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है तो 3 चीजों पर निर्भर करता है विद्युत धारा के वर्ग पर प्रतिरोध पर और समय पर। तो इसको हमें भाषा में लिखना है कि तार में उत्पन्न उष्मा का मान 1 नंबर पॉइंट दिए गए तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई के वर्ग के समानुपाती होती है एच समानुपाती आई स्क्वायर ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात आर के साथ इसका क्या संबंध है तो दिए गए प्रतिरोध के समानुपाती होती है बराबर में कोई चीज होती है उसको हम समानुपाती बोलते हैं क्योंकि एक जब इनके मान में परिवर्तन होगा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी और ये घटेंगे तो ये घटेगी तो दिए गए प्रतिरोध के समानुपाती होता है एच समानुपाती आर और तीसरा है एच समानुपाती डी तो प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होता है तो एच समानुपाती टी। तो उपरोक्त तीनों जो नियम है ये जो तीनों पॉइंट हमने लिखे हैं ये जूल के ताप नियम कहलाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं शक्ति। शक्ति क्या है पावर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे दो व्यक्ति है किसी एक ही कार्य को समान कार्य को कितने समय में करते हैं वो उसके अनुसार उनकी शक्ति का परिकलन किया जाता है कि मान लीजिए कि 100 इंड है एक व्यक्ति उसे आधे घंटे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालता है दूसरा व्यक्ति उस 100 इंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालने में 1 घंटा लगाता है तो जो व्यक्ति कम समय में कोई कार्य करता है तो उसकी शक्ति ज्यादा होगी और जो व्यक्ति उस कार्य को करने में समय ज्यादा लेगा उसकी शक्ति कम होगी। तो कहने का मतलब कार्य करने की दर कि जो समय कम समय में करेगा उसकी शक्ति अधिक और जो ज्यादा समय में करेगा उसकी शक्ति कम होगी। तो शक्ति की परिभाषा होती है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर पावर किया गया कार्य बटा समय तो पी बराबर डब्ल्यू बटा टी। तो शक्ति याद करने का सूत्र है। अब हम बात करते हैं पार है विद्युत का पढ़ रहे हैं जिसमें हम विद्युत शक्ति की बात करते हैं। विद्युत शक्ति सूत्र ये रहता है लेकिन परिभाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है क्योंकि विद्युत की बात करते हैं तो मान लीजिए कि कोई विद्युत परिपथ है ये कोई विद्युत परिपथ है ये चालक है कोई विद्युत परिपथ से जब इससे धारा प्रवाहित होती है जब इस परिपथ से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 1 सेकंड में जो किया गया कार्य है 1 सेकंड में जो कार्य किया जाएगा वो कहलाएगा शक्ति।
तो किसी विद्युत परिपथ से धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड या एक सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। तो शक्ति वही होती है विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा समय। तो P बराबर होता है W बटा T। तो विद्युत शक्ति का मान निकालने के लिए हमें सूत्र का परिकलन करना है, तो ये सूत्र ही काम लेते हैं। सबसे पहले हम W का मान रखते हैं। W का मान हमने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी है, विभवांतर की परिभाषा होती है V बराबर W बटा Q। तो W है तो हमें V गुणा Q, ये Q इधर गुणा में आएगा, तो कार्य विभवांतर की परिभाषा से W बराबर होता है V गुणा Q। ये W का मान जब हम इस सूत्र में रखेंगे तो P W की जगह मान रखा V गुणा Q, तो P बराबर हो गया V गुणा Q बटा T। अब हम Q का मान रखेंगे, Q का मान रखेंगे हमने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी है उससे, कि Q बराबर होता है I गुणा T। Q बराबर होता है I बराबर होता है Q बटा T। तो हमें तो Q का मान रखना है, तो इधर ये T है वो गुणा में आ जाएगा, तो Q बराबर होता है I गुणा T। तो इस मान को जब हम इस सूत्र में रखेंगे Q की जगह, तो P बराबर आ जाएगा V गुणा I गुणा T। तो T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर V I। ये इस सूत्र से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, एक नंबर का आंकी प्रश्न। अब हम इसी सूत्र में अगर हम ओम के नियम से V का मान रख दें, V बराबर होता है I R, तो इस सूत्र में परिवर्तन हो जाएगा P बराबर I स्क्वायर R। तो ये भी विद्युत शक्ति का मान निकालने का सूत्र है, ये भी विद्युत शक्ति का, ये सारे सूत्र विद्युत शक्ति के मान निकालने के परिकलन है, जो हम आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। तो ये तो हो गई विद्युत शक्ति की परिभाषा की बात। अब हम बात करते हैं शक्ति का मात्र क्या होता है। तो शक्ति के सूत्र से हम इसका मात्र निकालते हैं। शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W बटा T। कार्य का मात्रक होता है जूल, तो कार्य की जगह आ गया जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। तो कार्य शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, लेकिन जेम्स वॉट के सम्मान में शक्ति का एक दूसरा मात्रक है वॉट, जिसे हम W से व्यक्त करते हैं, और वैसे इसको वाट बोलते हैं। तो ये जेम्स वॉट के सम्मान में इसका मात्रक शक्ति का मात्रक वाट है। तो ज्यादातर हम उपयोग में वाट ही लेते हैं, जूल प्रति सेकंड कम जगह काम में लिया जाता है। अब ये तो इसका छोटा मात्रक, इसके बड़े मात्रक भी होते हैं, जैसे किलो वाट। किलो वाट इसका बड़ा मात्रक, इससे एक बड़ा मात्रक है मेगा वाट, और इससे एक मात्रक अलग है अश्व शक्ति, जिसे हम हॉर्स पावर HP बोलते हैं। अपनी जो भी मोटरें आती हैं वो सारी HP में आती हैं। तो एक किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट में 10^6 वाट या 1000000 वाट होते हैं। और एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति जिसको हम बोलते हैं HP, वो कितनी होती है, उसका मान कितना होता है, 746 वाट। ये मान आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो ये हो गए शक्ति के मात्र की। अब हम ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अपने घरों में जब हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे पंखे जलते हैं, ट्यूबलाइट जलती है और जलती है, तो उस दौरान हमारे घरों में जो बिजली खर्च होती है, ऊर्जा जो खर्च होती है, उसका मान कैसे निकाला जाता है, कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, क्या इसका मात्र होता है, इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, कि हमारे अंदर जितनी ऊर्जा होगी हमारा शरीर उतना ही कार्य करेगा। तो वैसे ही है कि गाड़ी के अंदर जितना पेट्रोल होगा गाड़ी उतनी ही कार्य करेगी, उतनी ही चलेगी। तो बैटरी के अंदर जितनी ऊर्जा होगी, मोबाइल है या कोई भी चीज जो बैटरी से चलती है, वो उतनी देर ही कार्य करेगा। तो कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम बोलते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब अपने घरों में जो उपभोग ऊर्जा लेते हैं, हम कितना उपयोग करते हैं, ये हम निकाल सकते हैं कि उपभोग विद्युत ऊर्जा। तो वो विद्युत ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है विद्युत शक्ति गुणा समय। शक्ति को हम P से व्यक्त करते हैं, समय को हम T से व्यक्त करते हैं। तो वो ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है P गुणा T। और वो ऊर्जा शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट, समय का मात्रक आवर, तो वाट आवर। लेकिन हमारे घरों में जो वो ऊर्जा का मान निकाला जाता है वो हमेशा KWH में निकाला जाता है, किलो वाट आवर। तो जो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है वो KWH होता है, यूनिट, जिसको हम एक यूनिट बोलते हैं। अपने घरों में जो बिजली का बिल आता है वो हमारे KWH में आता है, जिसको हम सामान्य अपनी बोलचाल की भाषा में यूनिट बोलते हैं। तो एक KWH बराबर, एक KWH होता है वो एक यूनिट के बराबर होता है।
और KWH में निकालने के लिए हम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई अंकिंग प्रश्न आए, सवाल आए, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि शक्ति का मात्रक यदि वाट में दिया हुआ हो तो हमें इस सूत्र में नीचे 1000 लगाना है, अगर किलोवाट में दिया हुआ तो हमें 1000 में लगाना है। ये सवाल करते समय हमें ध्यान रखना है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है, जिसका हम नियमित अपने जो बिल आते हैं बिजली के उनमें उपयोग करते हैं, वो यूनिट में होता है। तो एक KWH को प्रश्न आता है, मान लीजिए एक नंबर का परीक्षा प्रश्न आता है, कई बार आ चुका है कि एक KWH को एक किलोवाट आवर को या एक यूनिट को जूल में बदलिए। तो इसको जूल में बदलने का मतलब KWH, एक किलोवाट में अभी हमने पढ़ा कि एक किलोवाट में 1,000,000 वाट होते हैं, तो एक किलोवाट बराबर हो गए 1,000,000 वाट गुणा एक आवर, एक घंटा, एक घंटे में सेकंड। हमेशा बिजली का बिल जो हावर, इसमें समय का मात्रक हावर लेते हैं, वैसे सेकंड होता है। जब इसको हावर को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड। तो इनको जब हम मान में बदलेंगे तो 1 किलोवाट को वाट में बदलते हैं 1000 गुणा 3600, तो 3 × 2 = 5, तो 36 × 10^5। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, या हम ये मान भी सही है, या इसको ऐसे लिखें जूल, या इसको 3.6 × 10^6 जूल। तो परीक्षा में आएगा इतना इसका उत्तर करना है। तो इसका मान आ गया। अब हमने बात की कि घर में जो बिजली का उपयोग होता है उसको हम मान कैसे निकालते हैं, कि हमारे घर में कितना उपभोग हो रहा है, कैसे होता है। कि मान लीजिए जैसे ये कोई सवाल है कि दो बल्ब है, दोनों की शक्ति है वो 100 वाट है, एक बल्ब की शक्ति 100 वाट है, तो कुल शक्ति बल्ब की कुल शक्ति, तो एक दो बल्ब है तो 2 × 100 तो कितनी होगी 200 वाट। तो दोनों बल्बों की शक्ति होगी 200 वाट, समय दिया हुआ है 8 घंटे, 8 घंटे समय दिया हुआ है, और कुल समय अब एक महीने की बात कर रहे हैं तो कुल समय आ जाएगा, एक दिन का प्रतिदिन 8 घंटे जलाता है, प्रतिदिन 8 घंटे, तो एक दिन का 8 घंटे है, तो एक महीने में, तो एक महीने में कुल समय क्या होगा, महीना जब आए तो 31 नहीं लेना, न 28 लेना है, न 29 लेना है, 30 ही लेना है, तो 8 × 30 तो 240 घंटे, यानी एक महीने के अंदर कुल जो समय है वो आ जाएगा 240 घंटे। अब हमें उपभोग शक्ति निकालनी है कि कितनी विद्युत यूनिट ऊर्जा खर्च होगी, तो उसे हम बोलते हैं उपभोग शक्ति। उपभोग शक्ति का अभी हमने सूत्र पढ़ा था, उपभोग शक्ति बराबर होता है P × T। लेकिन मैंने आपको बताया कि यदि शक्ति का मान वाट में दिया हुआ हो तो हमें नीचे 1000 लगाना है, यदि किलो वाट में दिया हुआ तो 1000 नहीं लगाना, इसलिए इसमें वाट में दिया हुआ तो नीचे इसमें 1000 लगा लेंगे। अब मान रख देंगे पी का मान, शक्ति का मान, कुल शक्ति का मान कितना है 200, गुणा समय का मान कितना है 240 बट्टा 1000, तो 0 से 0 कट गए, इसके 2 0 गए, 24 × 2 = 48, तो उत्तर आ जाएगा 48 यूनिट या 48 KWH। तो इस प्रकार से अभी मैं आपको इससे संबंधित 2-3 अंकिक प्रश्न भी आगे दूंगा, तो वो आपको हल करने हैं। धन्यवाद।